हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। हम कर रहे थे मेथड्स ऑफ गुडविल, और मैं आपको समझा रही थी कि कुछ एडजस्टमेंट में ऐड और लेस आपने क्या करने। तो इन टर्म्स को आपको याद करना है कि किन को लेस करना है और किन को ऐड करना है, क्या रीजंस होते हैं उनको, वो मैंने आप इससे पहले वीडियो में बताए हैं। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड से हम स्टार्ट करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड पहले रीड करते हैं। क्वेश्चन नंबर थर्ड में है, द गुडविल ऑफ ए फर्म इज वैल्यूड एट 4 ईयर परचेज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। अब ये देखो, 4 ईयर्स और परचेज लिखा है, तो ये नंबर ऑफ ईयर परचेज, और एवरेज प्रॉफिट 5 ईयर्स, ये 5 साल दे रखे हैं, 5 सालों का एवरेज करना है, और नंबर ऑफ ईयर ये 4 ईयर्स है। 5 सालों के प्रॉफिट दे रखे हैं, ये ब्रैकेट में है बेटा, ये लॉस है। और जो मैं एडजस्टमेंट आपको लास्ट में करा रही थी कि क्या ऐड करना है क्या लेस करना है, तो इस प्रॉफिट के अंदर, इस 4,50,000 के अंदर वो एडजस्टमेंट है एबनॉर्मल गेन की, जो कि आपका लेस होता है 50,000। तो आपको इस वाले प्रॉफिट में से ये 50,000 लेस करना है, और 3,50,000 में से आफ्टर चार्जिंग एबनॉर्मल लॉस, यानी कि एबनॉर्मल लॉस है इसलिए आप इसको ऐड करोगे, तो ये 90,000 आपको इसमें ऐड करना है। तो कैलकुलेट द अमाउंट ऑफ गुडविल। तो हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले आपको जब भी आप क्वेश्चन करो तो आपको फॉर्मूले जरूर लिखने होते हैं, तो उसका ध्यान दीजिएगा आप कि आपको बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन नहीं करना है, ना ऐसी हैबिट डालनी है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, सबसे पहले हम एवरेज गुडविल का फॉर्मूला लिखेंगे, क्योंकि एवरेज प्रॉफिट से गुडविल का फॉर्मूला होता है एपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, नंबर ऑफ ईयर परचेज। और यहाँ पे एपी मतलब एवरेज प्रॉफिट, एवरेज प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना है, और नंबर ऑफ ईयर परचेज आपको दे रखा है, ये आपको दे रखा है नंबर ऑफ ईयर परचेज। तो सबसे पहले मैं एपी निकालूंगी, एपी मैंने लिखा था जितने भी प्रॉफिट है उन सबको ऐड करने हैं, तो यहाँ पर ये सारे प्रॉफिट, तो इसके लिए एपी के लिए एवरेज प्रॉफिट के लिए आपको एक फॉर्मेट बना देती हूँ। 2013, 14, 14, 15 ये जो साल दे रखे ना, इनको सब आपको नोट करना है, और आपके प्रॉफिट हैं 2 लाख, और 3 लाख का आपका लॉस है, और लॉस को हमेशा आपने ब्रैकेट में डालना है। 4,50,000 का प्रॉफिट है, और फिर है 3,50,000 का, और उसके बाद 2,60,000 का, और इसमें से कुछ एडजस्टमेंट हैं, तो एडजस्टमेंट आपने हैं जैसे कि आपका 50,000 का, यहाँ पर आपका 50,000 का एबनॉर्मल गेन है, तो आपको क्या करना है, जिस प्रॉफिट में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, जैसे मान लो 2 लाख का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 2 लाख को एज इट इज यहां पे लिखो, 3 लाख का कुछ भी एडजस्टमेंट नहीं है, तो 3 लाख को एडजस्टमेंट को यहां पे लिखो, वो भी ब्रैकेट में। 4,50,000 में एक एबनॉर्मल गेन है, इसको आपको क्या करना है, गेन क्या होते हैं, 50,000 का गेन है, तो आप इसको लेस करोगे, 50,000 का लेस करना है, तो आपका यहाँ पे कितना आ जाएगा, 4 लाख, और 3,50,000 का एबनॉर्मल लॉस है, तो लॉस को आपने ऐड करना है, इसको 90,000 को ऐड करना है। अच्छा, ये आपने लेस किया है तो इसको ब्रैकेट में डालना है, 90,000 को आप ऐड करोगे 3,50,000 प्लस 90,000, तो आपका आएगा 4,40,000, और इसमें कोई चेंज नहीं, तो एज इट इज 2,60,000। अब इनको इनको बोलते हैं एडजस्टेड प्रॉफिट, ये एडजस्टमेंट के बाद आए हैं, सारे के सारे प्रॉफिट एडजस्टमेंट के बाद हैं। अब इन सबको ऐड करोगे, और इस ब्रैकेट वाले को आपको लेस करना है, तो 2 लाख प्लस में 4 लाख प्लस 4,40,000 प्लस 2,60,000 और माइनस में 3 लाख, तो आपका आएगा 10 लाख, 10 लाख आ गया। ये एवरेज प्रॉफिट निकालने के लिए टोटल ऑफ ऑल ईयर्स, तो टोटल ऑफ ऑल ईयर्स कितना हो गया 10 लाख, और डिवाइड बाई नंबर ऑफ ईयर कितने साल है, 5 साल है, तो 5, तो कितना आ गया, 2 लाख, ठीक है, 2 लाख। अब मुझे गुडविल का फॉर्मूला पता है, गुडविल का फॉर्मूला मैंने सबसे ऊपर लिखा है एपी इंटू में नंबर ऑफ ईयर परचेज, तो आपका ये है 2 लाख का एवरेज प्रॉफिट, आपका 2 लाख का आ गया। और नंबर ऑफ ईयर परचेज क्वेश्चन में हमेशा गिवन होते हैं, मैंने आपको दिखाया था 4 ईयर परचेज, परचेज दिखाओ, नंबर ऑफ ईयर में 4 हो गए, तो गुडविल की वैल्यू कितनी आ गई, 8 लाख आपकी गुडविल की वैल्यू आ गई। तो इस तरह से आपको गुडविल की वैल्यू निकालनी है, और ये आपका आंसर आ गया। आई होप आपको ये मेथड समझ में आया हो। इसी तरह इसमें बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, तो मैं आपको ये सारे के क्वेश्चन, ये जितने भी क्वेश्चन नंबर 4 है, 5 है,
फोर फाइव सिक्स जितने भी क्वेश्चन हैं ये मेरे चैनल पे आपको मिलेंगे, तो आप जाके एक बार चेक कर लीजिए, आपको वहाँ पे सारे क्वेश्चन अवेलेबल होंगे। और अगर आपको वीडियो पसंद आए तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग।